तो मंडली इन बग्बी वालों से इनका क्रिमजन मून वाला अपडेट नहीं संभाला जा रहा और ऊपर से इन्होंने गेम में वेनम वाली बकलोली डाल दी। खैर अब गेम में नया अपडेट आया है और उसे हम ना खेले ऐसा हो नहीं सकता। तो आज के गेम प्ले में तुम्हारा भाई इस वेनम वाली पावर को बिल्कुल दबा के इस्तेमाल करने वाला है। अब अपने ठीक नीचे मुझे एक बंदा दिखता है। उसके बाद मैं जाने वाला होता हूँ कासल के अंदर, लेकिन अब तुम इस बंदे को देखो। ये इतना बेशरम कैंपर था कि इसने पहले अपनी हीलिंग पूरी की और फिर मेरे ऊपर गोली चलाई। अब एक कैंपर से बचा तो दूसरे ने पकड़ लिया, तो उसके बाद रिकॉल होके मैं आ जाता हूँ स्कूल के पास वाले रिकॉल पे। और मेरी तरह ये बंदा भी यहाँ पे इस टावर से लूट दबाने के लिए पैराशूट से आया था। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी लूट दबा रहा होता हूँ, लेकिन उतने में यहाँ पे एक घोड़ा आ जाता है। अब ये बंदा यहाँ पे वेनम वाला घोड़ा ला रखा है, तो मैं इस घोड़े का सिम्बायट अपने ऊपर चिपका लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे बंदे ढूंढ रहा होता हूँ और स्कूल के रिकॉल से गोली चलती है। अब इस वेनम सिम्बायट से सिर्फ दो ही पावर मिलती है, एक जो अभी तुम लोगों ने देखी और दूसरी से ये दोनों हाथों को खींच के अपने को बहुत दूर फेंक देता है। अब जिन बंदों को हमने यहाँ पे मारा वो रिकॉल होके यहाँ पे वापस आ जाते और ये देखो पता नहीं कहाँ पे ही फेंक दिया। अब जो बंदा पैराशूट से छत पे आया था वो ऊपर से ही मेरे एक टीममेट को नॉक कर देता है। Watch out. It's safe here. Save me. Awesome. अब सामने ये जो पहाड़ी है इसके ऊपर से एक बंदे ने मेरे ऊपर गोली चलाई थी। अब इस बंदे को मारने के लिए मैंने अपनी AKM सिंगल पे डाल रखी है, लेकिन ये छुप जाता है पहाड़ी के पीछे, तो इसको पकड़ने के लिए मैं आ जाता हूँ इन घरों के ऊपर। अब उसके बाद बंदों को ढूंढने के लिए मैं आ जाता हूँ इस छोटे वाले इवेंट पे। और मां कसम, एक तो ये वेयरवुल्फ से ट्रांसफर होने का एनिमेशन और जैसे मैं इस बंदे से फाइट लेने गया मुझे पता चलता है कि अपनी AKM सिंगल पे पड़ रखी है। अब यहाँ पीछे के साइड से भी बंदे आ जाते तो यहाँ पे अपना बचना इम्पॉसिबल था। तो हम लोग आ जाते हैं अगले गेम प्ले में। अब उसके बाद मैं यहाँ अंदर भटक रहा होता हूँ, लेकिन उतने में बाहर कोई अपने एक टीममेट को पूरा खत्म कर देता है, तो मैं बिल्कुल भाग के जाता हूँ इस बंदे को पकड़ने के लिए। और जरा इस बंदे का नाम पढ़ लेना क्योंकि आगे जाके ये फिर से आने वाला है।
अब यहाँ ऊपर कुछ बंदों ने अपने एक टीममेट को दबोच रखा है। अब यहाँ पे इसका एक टीममेट भी होता है। अब ये बिल्कुल अपने सामने बैठ रखा है, तो मैं फेंकता हूँ यहाँ पे एक मॉली। अब शायद से इसके पीछे आग लग गई थी, इसलिए यहाँ पे भागा था। उसके बाद बाहर वाले साइड से फुटस्टेप आ रहे होते। अब ये तो एक बिट्टू था, लेकिन यहाँ बाहर पे कुछ रियल बंदे भी होते। अब यहाँ सामने पे दो अलग अलग टीमें और ये करते हैं एक दूसरों के ऊपर रश। अब यहाँ पे अपनी एक किल चोरी हो गई, लेकिन ये बंदे वहां पे ही बैठ रखे। अब मैं यहाँ पे एक बंदे को नॉक तो कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पे इसका एक टीममेट भी होता है, तो ये कर देता है इसको रिवाइव। लेकिन मैं चला जाता हूँ इनके ऊपर रश करने के लिए। अब ये वो बंदा था जिसको मैंने ग्रेनेड से नॉक किया था, लेकिन यहाँ पे इसका एक टीममेट भी होता है। अब उसके बाद यहाँ पे पूरा कासल खाली हो जाता है और उसके बाद मैं पूरे इरेंगल के मैप पे बहुत ज्यादा भटकता हूँ, लेकिन मेरे को एक बंदा तक नहीं मिलता। और जब यहाँ पे सिर्फ 10 बंदे अलग होते, मुझे फार्म पे कुछ बंदे दिखते, तो मैं वहां पे एक बंदे को नॉक करता हूँ और उसके बाद क्या हुआ वो तुम लोग खुद ही देखो। अब पता नहीं क्यों, लेकिन कासल से निकलने के बाद अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी। अब नीचे दूर पे वो जो लाल घर है, वहां पे मैंने इस बंदे के एक टीममेट को नॉक दिया था, लेकिन पता नहीं ये बंदा मेरे पीछे कभी आ गया। और ये वही बंदा है जिसका नाम मैंने तुम लोगों को पढ़ने के लिए बोला था। तो अपना काम तो यहाँ पे खत्म हो गया। तो मुझे कमेंट्स में बताना कि तुम्हें ये नई वेनम वाली पावर्स कैसी लगी। लेकिन मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली बार इसी एक और धड़ाके बाजूड़ों के साथ। तब तक के लिए जय महाराष्ट्र।